नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी बेहद खास मेहमान हैं ओडिसी डांसर माधवी मुद्गल जी। माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो दीदी, कुछ सवाल तो जाहिर सी बात है ऐसे होंगे जिनका जवाब आपने पिछले 35-40 वर्षों में कई बार दिया होगा, लेकिन कुछ कोशिश होगी कि कुछ ऐसी बातचीत भी की जाए जो थोड़ी सार्थक निकले कुछ उससे, और सीखने वालों को भी कुछ, नए कलाकारों को भी कुछ सुनने समझने को मिले। लेकिन जैसा मैंने कहा, तो शुरुआत तो यहीं से करते हैं कि जिस तरह के परिवार में आप पैदा हुई, जिस तरह से संगीत को समर्पित परिवार में आप पैदा हुई, कितना खास था वो बचपन? क्योंकि सबको उस तरह का बचपन नसीब नहीं होता है, बहुत कम ही कलाकार होंगे जिनको उस तरह का बचपन मिला होगा। तो कितना अलग था वो बचपन? वो तो उस वातावरण जो हमें मिला उसी से हम बने हैं। मैं, मेरे भाई या जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उस वातावरण में रहने से, उस वातावरण में जन्म लेने से, जो हमने आत्मसात किया है विदाउट कॉन्शियस लर्निंग थ्रू ऑस्मोसिस, वो जो एक प्रक्रिया है उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। यूं ही आत्मसात किया हमने, तो ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ वातावरण संगीतमय था और चारों तरफ, मतलब हमारा घर क्या था, वो केवल क्लासरूम्स ही थे जिसमें संगीत की और नृत्य की क्लासेस चलती थी। तो एक बहुत बड़ा स्थान है हमारे आर्टिस्टिक जीवन को शेप करने का इस वातावरण का। मैं कुछ महीने हुए कुछ पहले मधुब जी से भी बात कर रहा था, और उनसे भी मैंने ये पूछा था कि कौन कौन से कलाकार याद आते हैं जो उस वक्त आते थे घर पे, और उस दौर के जो सारे बड़े नाम थे संभवतः उनका आना जाना था घर पे, तो उनको देखना, उनके पास बैठना, वो कितना बड़ा सौभाग्य रहा, और उससे क्या कुछ लर्निंग मिली? प्रेम के पात्र वो, क्योंकि हम तो बच्चे थे और जितने भी उस समय के बड़े कलाकार थे, खास तौर से पुणे के, मैं शुरुआत करूं पंडित विनायक राव पटवर्धन, जो हमारे पिता के और मेरी माता जी के भी गुरु थे पुणे के गांधर्व महाविद्यालय में, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित नारायण राव व्यास, ये सब तो पंडित कृष्ण दिगंबर परस्कर की परंपरा वाले ही थे, बोडस जी। ये उस समय क्या था कि जो कलाकार आते थे ना, तो वो 10-15 दिन महीना भर रह के ही जाते थे। उस समय ये नहीं था कि एक दिन आए और अगले दिन चले गए, क्योंकि दूर से आना, ट्रेन से आना, इतनी नान से रहते थे। मैं तो कुमार जी भी बहुत ही बचपन में, वो भी हमारे सब घर में ही रहते थे। फ्लैट तो बड़ा था, लेकिन जब क्लासेस वगैरह चलती थी तो इन लोगों के बैठने की भी जगह नहीं होती थी, फिर भी आंगन में बैठे हैं या बालकनी में बैठे। तो इस तरह से उनसे बहुत बहुत कुछ मिला। उनकी बातचीत, उनको डिस्कशंस होते रहते थे। संगीत के बारे में कुछ समझ तो थी नहीं, लेकिन फिर भी शायद सुनने से कुछ ज्ञान जरूर मिला हमें। ये तो सब थे, बाकी सब गंगूबाई जी हैं, बाद के जमाने में पंडित जसराज जी, और सब बिल्कुल ही घर घर में ही रहते थे, घर की तरह ही रहते थे। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो विद्यालय में, क्योंकि उस समय संगीत का एक प्रकार से गढ़ कहें, जहाँ पे संगीत के कार्यक्रम होते थे पूरी पूरी रात पंडित रविशंकर को, हम तो सोते सोते सो जाते थे, लेकिन एक बड़ा आंगन था, छत थी, तो पूरा भरा हुआ उसमें, उस माहौल में। और तब भी ये नहीं था कि 8:30 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाए, शुरू होता था तो फिर सारी रात, बीच में खाना भी होता था, फिर मेरी माँ सबके लिए खाना बनाती थी। तो इस तरह का एक, हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये कितने बड़े महान कलाकार हैं। धीरे धीरे उसका ज्ञान हुआ कि हमें ऐसा सानिध्य मिला। अब बसवराज राजगुरु जी,
अधिकतर वोकलिस्ट आते थे जो रहते थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इतने रहने वाले तबले वाले थे कुछ पुणे के, लेकिन बाकी ये जो कलाकार परफॉर्मेंस के लिए आते थे और वैसे भी मिलने आते थे, चर्चा जीवन लाल मट्टू जी, दिलीप चंद्रवेदी जी, शाम को क्लास खत्म होने जाने के बाद आंगन में सब बैठ के चर्चाएं होती थी, कोई कैरम खेल रहा है कोई कुछ तो ये सब एक एक पर्सनालिटी थे सब, वो मेरे दिमाग में उनकी छवि अभी तक अंकित है क्योंकि बहुत ही रौबदार सबका एक पर्सोना था। एक सवाल मैं अपने सारे मेहमानों से पूछता हूँ और वो ये कि बचपन में शैतानी करने का भी कुछ समय मिलता था या बिल्कुल बचपन से बहुत एकदम स्ट्रिक्ट अनुशासन वाला, कैसा याद आता है बचपन शैतानी वाला? ही नहीं हमें क्योंकि हमारे माता पिता को सब, हम उनके बच्चे ऐसा तो कभी था ही नहीं, सभी बच्चे थे उनके सारे जो स्टूडेंट्स आते थे वो, मुझे याद नहीं कि हमने एक भी मील सिर्फ हम परिवार वालों ने खाया, चार भाई बहन और दो माता पिता, कभी नहीं एक भी मील मुझे ये याद नहीं कि हम सिर्फ हमने ही खाना खाया। कोई ना कोई क्या स्टूडेंट्स या कलाकार हमेशा रहते थे, तो वो वातावरण आज के जमाने में मैं सोचती हूँ कि कैसे किया उन लोगों ने, कितनी आज तो कुछ इतना बदला हुआ माहौल है कि ये सब कुछ कुछ सच में ऐसा लगता है अजूबा जैसे, तो अनुशासन मैं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं था, कोई फोर्स नहीं था कि तुम ये सीखो या वो करो, बिल्कुल नहीं, पढ़ाई भी किसी तरह से हो जाती थी, हम सब भी ठीक ठाक थे पढ़ाई में, बिना पढ़े ही पास हो जाते थे अच्छे नंबरों से तो वो सब चलता था, तो अनुशासन उस तरह से बिल्कुल भी नहीं था, आप जो चाहते हैं वो करें, हम खूब खेलते थे, क्लास चल रही है आंगन में फिर हमें चुप कराया जाता था नहीं वहाँ पे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आते थे तो हमारे दोस्त भी होते थे तो हम वहाँ खेलते थे कनॉट प्लेस के पार्क, क्योंकि कनॉट प्लेस में था विद्यालय, और इस तरह का नहीं था जैसे अभी, बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही सुंदर था उस वक्त, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी, जो जहाँ अभी सड़क है वहां तक लॉन था, तो हमारी वहां पे गुल्ली डंडा और रस्सा और सब प्रकार के गेम्स चलते थे, सारे बच्चे आ जाते थे, हमारे स्टूडेंट्स भी आते थे, तो खेल कूद तो थी, और हाँ कोई ऐसे हम बहुत सीधे साधे तो नहीं थे कोई शैतानी जो मतलब सीधे साधे नहीं थे, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई शैतानी तो जरूर हुई होगी जो अभी तक याद रहती हो। इस तरह से कोई स्पेसिफिक तो नहीं, मतलब जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो फूलों की जो सज्जा होती थी फिर हम उससे होली खेलते थे, कनात है उसके ऊपर चढ़ जा रहे हैं, तो ऐसी अजीब सी बात है तो वो तो था ही, हाँ जरूर था शैतानिया। मधुब जी के साथ और आपका जो बचपन का बॉन्डिंग कैसा याद आता है, बचपन में कैसी बॉन्डिंग थी, मतलब अभी तो आप दोनों बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं, साधक के तौर पे हैं, लेकिन तब जब इस तरह का जीवन में संगीत नहीं था या था भी तो इतना नियमित नहीं था, तब कैसा बचपन था, तब कैसी बॉन्डिंग थी आप दोनों लोगों की? नहीं हमारी बॉन्डिंग नॉर्मल जैसे भाई बहनों की होती है, लड़ाई भी होती थी, खेल कूद भी होता था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल बचपन था हमारा, ये नहीं कि कोई अच्छा बोरियास का समय है अभी बोरियास कर रहे हैं अभी आप डिस्टर्ब नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं, खूब मजे करते थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बचपन था, खेल कूद और डांस सीखना तो सहज ही हो गया उसके बाद, जब 14-15 साल तक तो हम बस खेल कूद में ही सीखते थे और काफी कुछ अच्छा कर लेते थे आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं था कि ये सीखना है या यही सीखना है, क्या यही वजह थी कि मतलब आपने कथक भी सीखा, भरतनाट्यम भी सीखा और फिर फाइनली आपने ओडिसी किया, या ऐसा था कि हाँ, जी जी हाँ, उस समय में ओडिसी था ही नहीं जब मैं जी मैं और मैं जब 4 साल की थी, मुझे तो ऐसा कुछ ज्यादा याद नहीं, तब शंकर्स इंटरनेशनल अभी जिनका वो है डॉल्स म्यूजियम है, वो शंकर्स बड़े फेमस कार्टूनिस्ट थे और उनका बहुत प्रयास था बच्चों को एनकरेज करना, तो वो इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन करते थे, इंटरनेशनल तब डांस कंपटीशन करी थी जो नेशनल स्टेडियम में हुई थी जिसमें इंद्राणी रहमान,
चार्ल्स फाबरी वगैरह जज थे, तो मैं 4 साल की थी तब मुझे उसमें गोल्ड मेडल दिया गया था। 4 साल की थी, क्या होगा मेरा नृत्य, लेकिन ऐसे लोग अगर जज थे तो कुछ तो किया होगा। मैंने उसकी फोटो है, और अवार्ड किसने दिया, गोल्ड मेडल किसने दिया, तब के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन जी, और मैं इतनी छोटी थी 4 साल की, तो ऑडियंस को उनको ऐसे उन हाथ से मुझे उठाया क्योंकि इतनी छोटी थी, तो तब से मैं नृत्य ही कर रही हूँ somehow। गाना मैंने कभी फॉर्मली नहीं सीखा, सिर्फ सुन के जितना आया है ना। अच्छा, भरतनाट्यम कथक, तो उस समय सिर्फ भरतनाट्यम और कथक की ही क्लासेस थी, तो और अल्टरनेट डेज पे होती थी, 3 दिन भरतनाट्यम 3 दिन, तो हम दोनों क्लास में घुस जाते थे खूब, वहां पे भी उछल कूद करते ही करके ही सीखते थे, लेकिन बड़ा मजा आता था डांस सीखने में करने में, और शायद ठीक ठाक करते थे तो इसलिए हमारी शैतानी भी सहन कर ली जाती थी। फोटो जिस आप जिस पुरस्कार की बात कर रही हैं उसका फोटो भी मैंने मेरे ख्याल से इंटरनेट पे कहीं देखा है आपका, जो आपने बताया कि कहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए माधवी जी, जैसे हम कहते हैं ना कि हैं तीनों शास्त्रीय नृत्य ही, मतलब कथक भी है, भरतनाट्यम भी है, ओडिसी भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ नया सीखने के लिए पुराना जो सीखा है उसको भूलना पड़ता है, हमको अंडन करना पड़ता है, हम उसको भूलते हैं तब नया सीखते हैं, क्या नृत्य में भी ऐसा होता है और क्या आपको भी ऐसा करना पड़ा? मैं इसमें बिलीव नहीं करती, मैं ये ऐसा बिलीव करती हूँ कि आप जितनी जड़ों में जाओगे आपको नया दिखेगा। अगर हम शास्त्रीय नृत्यों की बात कर रहे हैं, आपको नया देखने के लिए पुराना छोड़ना ये जरूरी नहीं, पुराने से ही नया निकलता है, ये मेरी विश्वास है पूरी तरह, और मुझे अपनी जो शास्त्रीय कलाओं में पूरा विश्वास है कि कुछ नया, कुछ नई कोरियोग्राफीज करी हैं, जो मतलब नई, नया कहना किसको नया कहा जाए ये भी एक सवाल है, क्योंकि जब गुरुजी ने जब रिवाइवल में जो सारे आइटम्स बनाए वो भी तो नए थे उस समय के लिए, तो नयापन के लिए पुराना तोड़ना, ये वेस्टर्न पूरी तरह से उसे तोड़ो फिर बनाओ, जो से निकालते वो बेस रख के फिर उसके ऊपर आप बनाए, और हमारा जो स्ट्रक्चर है क्लासिकल इतना वास्ट है, इतना विस्तृत है कि उसमें अनेक संभावनाएं निहित हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि कुछ नया करने के लिए पुराना तोड़ना आवश्यक नहीं है, उसी पे उसी से बनाओ। थोड़ी सी बात दीदी केलू बाबू भी करते हैं, लेकिन पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका उनके पास जाना कैसे हुआ, कैसे गुरु शिष्य का जो संपर्क संबंध शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ था? पहले मेरी जो उड़ीसी की शिक्षा हुई वो दिल्ली में ही है, गुरु हरे कृष्ण बेहरा जो उस समय विद्यालय आए थे मेरे फादर के पास कि आप मैं उड़ीसी सिखाना चाहता हूँ, तो हमारे यहाँ उड़ीसी की क्लासेस शुरू हुई एकदम N60s, तो मैंने उनसे ही सीखना शुरू किया, तो उस वक्त मैं ऑलरेडी कथक सिर्फ प्रोफेशनली स्टेज पे कर रही, भरतनाट्यम मैंने कभी भी इस तरह से नहीं परफॉर्म किया, स्टेज एनुअल फंक्शन में डांस किया वो अलग, लेकिन और हमारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे जो हमारे, जब मैंने छोड़ा तब श्रीमती स्वर्ण सरस्वती जो बाला सरस्वती जी की कजिन, उन्होंने वो सिखाती थी विद्यालय में, तो बहुत अच्छी तरह से 14-15 साल तक सीखा भी, लेकिन कथक भी बचपन से कर रही थी, तो मैं प्रोफेशनली स्टेज पे भी कर रही थी जब मैंने उड़ीसी सीखना भी शुरू किया, तो उसके बाद 4-5 साल सीखने के बाद बॉम्बे में एक प्रोग्राम था 72 में, भूला भाई इंस्टीट्यूट एक है वहाँ पे, सोली भाई बाटली वाला एक बहुत वो भी यंग आर्टिस्ट को सब प्रकार के आर्टिस्ट को एनकरेज करते, गायक वादक पेंटर्स सब उनके सेंटर से निकले हैं, तो वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस अरेंज करी थी मेरी, बिल्कुल यंगस्टर बिगिनर न्यू कमर, तो मेरे जो गुरु थे गुरु हरे कृष्ण बेहरा वो मेरे साथ पखावत बजाते थे, वो दिल्ली से
आने वाले थे, जो मेरे साथ गाने वाली थी वो तो मेरे साथ गई थी बम्बई, लेकिन ये अगले दिन ट्रेन से आने वाले थे, लेकिन उस वक्त बारिश से बाढ़ आई तो ट्रेन लेट हो गई, बहुत लेट हो गई। और मेरे साथ बम्बई में पंडित भुवनेश्वर मिश्रा, जिनका जो हम सारे आइटम्स जो करते थे वो उन्हीं के बनाए हुए थे, गुरु जी के संगीत उन्हीं का था, तो वो मेरे साथ बजाने वाले थे वायलिन। तो उन्होंने कहा अरे गुरु किरण महापात्र यहाँ हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करो, तो उनसे कहो कि वो बजाएं। अब इतने बड़े गुरु से मैं बड़ी मुश्किल से उनका कैसे वो बजाएंगे मेरे साथ, फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और वो आए। आप सोचिए कि कोई रिहर्सल नहीं, एक भी रिहर्सल नहीं, बस यही था कि सारे आइटम्स उन्हीं के थे जो हमने सीखे थे स्ट्रेट स्टेज में, क्योंकि बाय द टाइम वो आए तब तक एकदम शो का टाइम हो चुका था और सीधा स्टेज पे बिना रिहर्सल के, ऐसा हमने आज तक कभी नहीं किया। कथक में अवश्य होता है तबले वाला कोई फ्रेश है आप उसके साथ सीधा स्टेज पे जाते, ओडिसी भरतनाट्यम में ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने बजाया और मतलब मैं तो एकदम पता नहीं किस सेवेंथ हेवन में थी, वो उनका बजाना सुन के उनका उनके साथ मतलब ऐसा सौभाग्य कि वो बजाए मेरे साथ। तो उसके बाद से ये उनसे सीखना आरंभ हुआ, फिर मैं कटक जाती थी, वो आते थे दिल्ली महीनों महीनों, तो उस तरह से वो प्रक्रिया शुरू। गुरु के तौर पर तो हम अगले सवाल में बात कर लेंगे, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था, मतलब आज जहां पर है ओडिसी नृत्य, मतलब संभवतः बहुत बड़ा उनका योगदान माना जाना चाहिए, उनके व्यक्तित्व कैसे देखती हैं अभी गुरु से हटा के छोड़ दिया जाए, अगर वो गुरु नहीं भी होते आपके तो भी उनका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को कैसे याद करती हैं आप? वो कमाल के परफेक्शनिस्ट थे, और आप कुछ भी कहें, वो उनका घर बन रहा है तो ईंटें भी खुद लगा रहे हैं। अगर वो चित्रकार फैमिली के थे, उनके जो उड़ीसा में रघुराजपुर जो उनका विलेज है उसमें हर घर में पटचित्र की कला का वो होता है, उनकी परंपरा है, तो वो उस परंपरा से आए थे। तो पेंटर भी थे, बहुत सुंदर पेंट भी करते थे, पखावज जितनी सुंदर बजाते थे, उनके पिता खोल बजाते थे, मतलब नृत्य की कोई भी आप इधर लें, मेकअप से लेके बजाने से लेके कॉम्पोजिशन से लेके, खैर ये उड़ीसी नृत्य जो आज है वो तो मैं तो ये मानती हूँ कि उनकी प्रमुख देन, जो वैसे तीन गुरु थे, गुरु पंकज चरण दास, गुरु देव प्रसाद और हमारे गुरु जी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अनेक शिष्य तैयार किए, इतनी मेहनती थे, इतने खुले दिल से देने वाले थे, और परफेक्शन जैसे कहाँ से एंटर होना है, स्टेज से बाहर निकलने तक आपको किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है, सब कुछ उनका वो था। और उसको छोड़ के इतने सिंपल इंसान, जब मैं शुरू शुरू में कटक जाती थी तो वो स्टेशन पे खुद आएंगे, फिर रिक्शा में हम उनके घर जाते थे, उस वक्त उनके पास इतनी भाग दौड़ नहीं थी, इतने शिष्य भी नहीं थे, तो उनके घर में वहां पे मच्छर बहुत होते, तो रात को मच्छरदानी मेरे लिए लगाना, मुझे तो इतनी शर्म आती थी कि क्या मतलब गुरु हैं, और वो इतने प्यार से, ये मैं कभी भूल ही नहीं सकती मतलब, और उनके घर में वेजिटेरियन खाना मेरे लिए फिर स्पेशली बनाते थे, तो इस तरह की काफी सारी चीजें हैं वो उस जमाने की। और एक तरह से उस वक्त रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा था उड़ीसी का, जो रिवाइवल हुआ उसके बाद गुरुजी भी सोच हमेशा अंत तक वो सोचते ही रहे कि इसमें और क्या हम कर सकते हैं उसकी क्या, जब आखिर तक वो फिर नोटेशन बनाई उन्होंने ओडिसी को कैसे नोटेट किया जाए, तो और फिर ओडिसी रिसर्च सेंटर में भी उनका बड़ा योगदान रहा कि उसकी थियोरी, उसका जो अलग अलग पैरों की स्थिति के नाम, बॉडी पोजिशन के नाम, एक्सरसाइज का एक रूटीन, पेडागॉजी पूरा उन्होंने सोच के वहां बनाया, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया करते रहते थे, तो कमाल की वो पर्सनालिटी थी। मैं तो अब इतना ऐसे बहुत कम, मतलब बहुत कम क्या, हजारों में नहीं लाखों में शायद एक ऐसा इंसान होता है।
वो है महाराज जी हैं, वो भी अभी अभी गए, इस तरीके मतलब कमाल के कलाकार। और मैं तो अपने आप को इतनी सौभाग्यशाली मानती हूँ, मैंने इन दोनों महान कलाकारों की शिष्यत रही, ये एक बहुत, और दोनों का इतना प्रेम मुझे मिला, वो सबसे बड़ी बात, आशीर्वाद। अच्छा, गुरु के तौर पर एक तो होता है कि ये करना है, इसको ऐसे करना है, ये इसका तरीका ये है, लेकिन कुछ चीजें गुरु यही बताते हैं कि ये नहीं करना है। वो कुछ ऐसी चीजें याद आती हैं क्या कि ये नहीं करना है, अपने जीवन में कभी ये मत करना या ये गलती मत करना, ऐसी कुछ बातें जो बता गए हो आपको? वो ना ऐसे शब्दों में नहीं, आचरण से, वो किस तरह से आपका आचरण, क्योंकि वो खुद इतने नम्र थे, ऑर्गेनाइजर से इससे कैसे बात करना, क्या करना। कभी मैंने उनको किसी पे, मतलब क्लास में जरूर हम डांट करते थे, लेकिन किसी और से ऐसे ऊंचे स्वर में बात करते मैंने नहीं सुना उनको। तब उनके कौन दोस्त थे, वो रिक्शे वाला जो हमें लेके आते, मतलब इस तरह से उनका जो एक कनेक्ट था, एक बहुत ही ऊंचे स्तर के इंसान थे। माधवी मुद्गल जी के साथ बातचीत में यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और कल रात 9 बजे हमसे एक बार फिर जुड़िएगा और देखिएगा इस बातचीत का दूसरा हिस्सा।